साथियों, ये है दृष्टि आईएएस का टेस्ट सीरीज। आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है 2024 में यूपी पीसीएस प्रीलिम्स का, उसी के लिए साथियों आज हमने दृष्टि आईएएस का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज आपके सामने लेकर आया है। साथियों, यह टेस्ट सीरीज इसलिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसमें जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं 150 प्रश्न हैं, और 150 प्रश्नों में जितने भी प्रश्न हैं सब के सब साथियों हिस्ट्री से हैं। हिस्ट्री में सभी प्रश्न ऐसे प्रश्न रखे गए साथियों, आपको बता दें कि जो हर एक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आपको मालूम है कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हर एक एग्ज़ाम में दौड़ते रहते हैं, चाहे यूपीएससी हो, यूपीपीसीएस हो, आरओ आरओ हो, या बीपीएससी हो, कोई भी एग्ज़ाम होता है तो ऐसे प्रश्न होते हैं, वो हमेशा दौड़ते रहते हैं। तो कुछ ऐसे अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को संगठित करके इसमें रखा गया है, और दूसरी बात कुछ ऐसे नए प्रश्न को बनाया गया है आपके आगामी एग्ज़ाम यूपीपीसीएस और आरओ को देखते हुए, उन नए प्रश्नों को रखा गया जिनके आने की संभावना अधिक से अधिक है। तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा और अपने आप को जांचिए, परखिए कि हम आने वाले अपने एग्ज़ाम में आरओ का हो, यूपीएससी का हो, यूपीपीसीएस का हो, हम कहाँ खड़े हैं और कितने पानी में हैं। तो चले साथियों, हम लोग बिना समय गवाए आज की ये दृष्टि आईएएस की जो टेस्ट सीरीज है हम लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से देखते हैं। वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा। तो चले हम लोग देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या कह रहा है। बहुत बढ़िया, पहला प्रश्न साथियों इलाहाबाद की संधि से संबंधित है। देखो इसमें क्या कह रहा है, आपको नीचे दो कथन दिया गया है, ये दो कथन हैं और वो कथन इलाहाबाद की संधि से संबंधित है। तो कह रहा है इलाहाबाद की संधि के संदर्भ में नीचे कुछ कथन दिए गए हैं, उन्हीं कथनों को पढ़कर बताइए कौन सा सही है। तो पहला आप लोग जब पढ़ेंगे तो देखते हैं इसमें क्या लिखा है। इलाहाबाद और कड़ा को, यहाँ नेक लिख दिया, यहाँ को होना चाहिए, इलाहाबाद और कड़ा को सम्राट शाह आलम द्वितीय को सौंप दिया गया। जी मेरे भाई, बिल्कुल सही बात है। इलाहाबाद की संधि में इलाहाबाद और कड़ा को शाह आलम द्वितीय को सौंप दिया गया था, तो ये बात सत्य है। दूसरी बात कह रहा है, शाह आलम द्वितीय ने युद्ध खर्च की भरपाई के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल और बिहार की दीवानी देने का फरमान जारी करने पर सहमति व्यक्त किया। तो मेरे भाई यहाँ पर सब बातें सही है, लेकिन यहाँ जो बंगाल और बिहार लिखा है इसके साथ साथ उड़ीसा की भी दीवानी था, तो इसमें उड़ीसा नहीं दिया, इसलिए यह गलत हो जा रहा है। तो ऑप्शन ये कथन दो गलत हो जा रहा है, क्योंकि बंगाल बिहार और उड़ीसा की दीवानी देने का फरमान जारी हुआ था, तो दो गलत हो जाएगा, केवल हमारा ऑप्शन नंबर ए सत्य होगा, यानी कथन ए सही है। आगे बढ़े हम लोग, दूसरे में देखें क्या है। देखें आपको नीचे कुछ अधिनियम दिए गए हैं, वो अधिनियम कब बनाए गए थे, इनके कालक्रम को व्यवस्थित करना है हमें। बहुत बढ़िया, तो इसको कालक्रम को हमें व्यवस्थित करना है, सेट करना है, सबसे पहले कौन बनाया गया था, उसके बाद कौन बनाया गया, उसके बाद तो ये वाला। तो देखें हम लोग, जो कारखाना अधिनियम आया था मेरे भाई, हम डेट लिख दे रहे हैं, आप अपने आप कर लेंगे, हम केवल उत्तर बता देंगे तो आपके मानसिक बौद्धिक उतनी जो है काम नहीं करेगी, तो आप लोग सोचिएगा, हम लिख दे रहे हैं 1947 में कारखाना अधिनियम आया, और शारदा अधिनियम तो सबको पता है, शारदा अधिनियम मेरे भाई 1929 में आया था, जिसमें महिलाओं और पुरुषों की एज को निर्धारित किया गया था शादी की उम्र को। दहेज प्रथा अधिनियम, इसकी बात करते हैं तो 1961 में आया ये, और विशेष विवाह अधिनियम 1954 में। तो इस हिसाब से मेरे भाई देखिए सबसे पहले कौन हुआ होगा इसमें, तो सबसे पहले कौन हुआ होगा यहाँ पर, तो शारदा अधिनियम, बिल्कुल सही बात, शारदा अधिनियम यानी दो वाला, ये वाला, उसके बाद कौन सा हुआ होगा, ये 1947 वाला, फिर उसके बाद 54 वाला, फिर 61 वाला, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सेट हो रहा है। ये इस तरह से हम लोग अगर याद रहेगा तो कर ले जाएंगे। तो एक बात तो हमें सबसे क्लियर है, 1900 ये शारदा अधिनियम ये आया था, तो एक देखिए दो किस्में हैं, सबसे पहले है तो उसी पर लगा देंगे। आगे बढ़ते हम लोग, देखें निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिकारी ने बिहार में 1857 के विद्रोह को दबाया था। तो हमें पता है 1857 का जो विद्रोह हुआ था अलग अलग क्षेत्रों में हुआ था, अवध और ये पूर्वांचल एरिया अपना जो था, तो अलग अलग जगहों पर अलग अलग लोगों ने मोर्चा संभाला था, और इन मोर्चा को दबाने के लिए ब्रिटिश अधिकारी अलग अलग थे। तो इसी को बताना है जो बिहार में हुआ था, बिहार के आरा में, तो कुंवर सिंह के नेतृत्व में हुआ था, तो उसको कौन दबाया था, तो
तो आप जॉन निकोलस तो दिल्ली वाला दबाया था, ये तो होगा नहीं। ये ह्यूरोज तो झांसी का दबाया था, झांसी की रानी वाला, और ये कैंपबेल तो ये भी नहीं था। तो यहाँ पर विलियम टेलर होगा, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यही सत्य होगा। विलियम टेलर ने बिहार में जो 1857 का जो विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे कुंवर सिंह, उसको दबाया था। आगे बढ़े हम लोग, देखें ये चौथा प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। सूची दिया है एक और दो, उसी को हमें मिलाना है। तो यहाँ पर साथियों ये अगले पेज पर इसका चला गया है, ये इल्बर्ट बिल विवाद है, काकोरी षड्यंत्र है, लखनऊ समझौता है और प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस है। तो ये अगले पेज पर हमें देखना पड़ेगा। तो ये किस वायसराय से संबंधित है, तो एक तरफ है साथियों, हम यहाँ पर थोड़ा सा आपको दिखाएं, एक तरफ वायसराय है और एक तरफ कुछ घटनाएं हैं। तो यहाँ पर साथियों आपको बता दें, देखें जो हमारा इल्बर्ट बिल विवाद है, लॉर्ड रिपन से संबंधित है, इस समय वायसराय था लॉर्ड रिपन। और काकोरी षड्यंत्र कांड जो हुआ था, काकोरी षड्यंत्र काल में लॉर्ड रीडिंग था, 1925 में हुआ था ना वो ट्रेन लूटने वाला। लखनऊ समझौता 1916 में हुआ था, तो आपको पता होगा लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। और प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस जब हुआ था तो ये लॉर्ड वेवेल था 1946 के समय। तो मैंने सब मिला दिया क्योंकि अगले पेज पर था, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते यही सब था, तो हो जाएगा। तो आप लोग ये देख लीजिएगा, देखेंगे तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर ए वाला यही सत्य होगा। आगे हम लोग देखें, निम्नलिखित में से कौन सा वाइकोम सत्याग्रह से संबंधित था। तो वाइकोम सत्याग्रह से संबंधित मेरे भाई इसमें कौन सा था, इसमें चार नाम आपको दिए, पी कृष्णा पिल्लई, के जी मशरू वाला, के लप्पन, मतांगिनी हजारा। तो ये पांचवा का जो हमारा उत्तर हो जाएगा साथियों, ये ऑप्शन नंबर सी के लप्पन हो जाएगा। तो के लप्पन का एक महत्वपूर्ण बात है साथियों, इनको केरल के गांधी भी कहा जाता है। ये जो के लप्पन है, इनको केरल का गांधी भी के नाम से जाना जाता है, कांग्रेस के नेता थे। तो वाइकोम सत्याग्रह के जो नेतृत्व थे, अग्रदूत थे उसके। आगे हम लोग देखें छठवें में, देखिए साथियों छठवां महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्या कह रहा है। देखने में भारी भरकम है लेकिन भय बहुत मज़ेदार। देखें नीचे कुछ कथन दिए गए हैं, एक कथन है और दूसरा उसका कारण है, उसी को पढ़कर हमें बताना है कि हमारा कौन सा उत्तर सही है। देखें ऐसे सवाल बहुत आते हैं यूपी पीसीएस में कथन कारण वाले। देखें क्या कह रहा है, डच और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनियों दोनों ने मसूलीपट्टनम शहर को नियंत्रित करने का प्रयास किया। जी मेरे भाई इसमें कोई दो राय नहीं है, दोनों ने नियंत्रित करने का प्रयास किया था, सही बात है। कारण क्या है, क्यों, यह 17वीं सदी के पश्चिमी तट पर सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह था। तो सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह था इसीलिए। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो हमारा ये सॉरी तो हम लोग देखते हैं अपना तो हम लोग देखते हैं छठवां प्रश्न, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न साथियों। ये कथन और कारण वाला प्रश्न है, ऐसे प्रश्न यूपी पीसीएस जैसे एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। क्या कह रहा है, एक को कथन कहा है, यानी पहला कथन है और दूसरा कारण है, इन्हीं को पढ़कर हमें सही उत्तर को देना है। अगर हम लोग कथन को पढ़ते हैं तो कथन कह रहा है, डच और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनियों दोनों ने मसूलीपट्टनम शहर को नियंत्रित करने का प्रयास किया। तो जी बिल्कुल ये कथन बिल्कुल सही है, डच और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी दोनों ने नियंत्रित करने का प्रयास किया मसूलीपट्टनम शहर को। आंध्र प्रदेश में है मसूलीपट्टनम शहर। और कारण क्या है, यह 17वीं शताब्दी में पश्चिमी तट पर सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह था। तो मेरे भाई ये पश्चिमी तट पर नहीं, पूर्वी तट पर है, आंध्र प्रदेश जो है पूर्वी तट पर है, तो ये गलत हो गया हमारा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है, ए सत्य आर गलत। चलिए हम लोग थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो सारी चीज़ें सॉल्व हो जाए। आपको हल्की सी गड़बड़ी देता है, हल्का सा माइनर सा जो है उसमें फॉल्ट देता है, उसी को समझना रहता है आपको। सातवां में हम लोग देखें, बढ़िया प्रश्न,
निम्नलिखित में से कौन सी घटना लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल से संबंधित नहीं है? तो लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल से संबंधित कौन सी घटना नहीं है मेरे भाई? बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में, ये भी है। भारतीय लोक सेवा मंडल का गठन हुआ था, ये भी कर्जन के कार्यकाल में ही है। अकाल आयोग की गठन हुई थी, ये भी कर्जन के कार्यकाल में। ये जो हंटर आयोग का गठन हुआ था, ये उसके कार्यकाल में नहीं हुआ था। आपको मालूम होगा ये जो हंटर आयोग का गठन हुआ था 1882 में हुआ था, 1882 में हुआ था, और ये उस समय ये नहीं था, और ये आया था जो है ये 1899 में ये कर्जन आया था। तो इस हिसाब से आप लोग दिमाग लगा सकते हैं कि ये हंटर आयोग का गठन हुआ था 1882 में, और आया था जो है लॉर्ड कर्जन जो है वो आया था 1899 में, तो कैसे हो सकता है? तो यही डी वाला हमारा उत्तर सही होगा, यही लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल से संबंधित नहीं है। आगे हम लोग आठवें का देखते हैं। बढ़िया प्रश्न देखें, लाला लाजपत राय से है। लाला लाजपत राय के संदर्भ में नीचे कुछ कथन दिए गए, उन्हीं कथनों को पढ़कर सही उत्तर दीजिए। उन्होंने वर्ष 1921 में सर्वेंट्स ऑफ पीपल सोसाइटी की स्थापना किया था। जी बिल्कुल सही कह रहा है, सत्य है। उन्होंने स्वराज पार्टी के गठन में भी भाग लिया था। जी स्वराज पार्टी के गठन 1923 में हुआ था, आप लोग को मालूम है जब असहयोग आंदोलन गांधी जी ने बंद कर दिया था, मोतीलाल नेहरू सियारदास जैसे लोगों ने मिलकर स्वराज पार्टी बनाया 1923 में, तो उसमें भी भाग लिए थे। तो हमारा यहाँ आठवें का दोनों प्रश्न हमारा यहाँ पर दोनों के दोनों कथन सत्य हैं। आगे चले हम लोग नौवें में देखते हैं क्या कह रहा है नौवां। श्रमिक संघ आंदोलन की शुरुआत से पहले भारत का पहला श्रमिक नेता किसे माना जाता है? तो श्रमिक संघ आंदोलन के शुरुआत से पहले भारत का पहला श्रमिक नेता किसे माना जाता है, नौवें में ये पूछा जा रहा है। तो नौवें में साथियों ये नारायण मेघाजी लोखंडे, ये जो है ये श्रमिकों के पहले नेता माने जाते हैं, नारायण मेघाजी NML, नारायण मेघाजी लोखंडे। आगे चले हम लोग दसवां में देखते हैं क्या है दसवें में। दसवें में साथियों कह रहा है, थोड़ा सा इसको हमें छोटा करना पड़ेगा, देखें इसमें कह रहा है दसवें में, जमींदारी प्रथा के संदर्भ में कुछ कथन दिए गए हैं। तो कौन सा कथन उसमें सही नहीं है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा नहीं है। तो जमींदारी प्रथा के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है इसको बताना है हमें। तो पहला हमारा क्या है, इसने निश्चित किराए या अधिभोग अधिकारों के प्रावधान के बिना सदस्यों की भूमि अधिकारों को अस्थायी रूप से स्थापित किया। मान लीजिए हमें ये नहीं समझ में आ रहा है, जो ऐसे प्रश्न होते हैं जो आप जानते रहते हैं उसी में गड़बड़ी करता है, मान लीजिए हमको नहीं आ रहा है, ध्यान दीजिएगा, आपको मैं सिखाने का काम कर रहा हूँ, रटाने का नहीं। तो ये मान लीजिए हमें नहीं आ रहा है, दूसरा पढ़ते हैं, भागिएगा मत छोड़कर, उससे क्वेश्चन से लड़िएगा थोड़ा। तो इसे वर्ष 1793 लॉर्ड कार्नवालिस द्वारा अस्थाई बंदोबस्त के माध्यम से पेश किया गया था। जी ये तो हमें कन्फर्म है, ये जमींदारी प्रथा के संदर्भ में 1793 में लॉर्ड कार्नवालिस द्वारा लाया गया था, ये भी तो सही है, लेकिन हमसे गलत पूछा है। तो सी वाला जब पढ़ते हैं, इस व्यवस्था के अंतर्गत भू राजस्व सीधे किसानों से वसूला जाता था। जी मेरे भाई देखिए यहीं पर गलती किया है, और यही प्रश्न यही कथन गलत है, यही हमारा सही होगा। क्यों गलत है ये? कराए सीधे किसानों से वसूला जाता था, नहीं मेरे भाई, इसमें जमींदार होते थे, बिचौलिए का काम करते थे, उन जमींदारों के माध्यम से वसूला जाता था, इसलिए गलत हो गया। तो यही हमारा सही होगा प्रश्न के हिसाब से, यह बंगाल बिहार और उड़ीसा में प्रचलित था। आगे बढ़े हम लोग 11 में देखते हैं। अखिल भारतीय मजदूर संघ कांग्रेस, जिसे एटक के नाम से भी जाना जाता है, के संदर्भ में कथनों पर कुछ विचार कीजिए। यानी एटक के संबंध में दो कथन दिए गए हैं, इन्हीं कथनों को पढ़कर हमें सही उत्तर दे देना है। तो 11वें का हमें सही उत्तर हमारा क्या होगा साथियों? लाला लाजपत राय को एटक के पहले महासचिव के रूप में चुना गया था। मेरे भाई ये आपको कितना बड़ा मूर्ख बनाने का प्रयास कर रहा है, जो एटक के अध्यक्ष, ये लाला लाजपत राय को महासचिव नहीं बल्कि अध्यक्ष, एटक का अध्यक्ष बनाया गया था।
और जो महासचिव बनाया गया था वो चिमन लाल को बनाया गया था, चमन लाल को। तो ये भी याद रखिएगा, महासचिव चमन लाल, चमन लाल को बनाया गया था। तो इस हिसाब से ये तो हमारा गलत हो गया। अब कांग्रेस के वर्ष 1922 के गया अधिवेशन में एटक के गठन का स्वागत किया गया। इसकी सहायता के लिए एक समिति का गठन किया गया। जी ये सत्य है। तो दो यहाँ पर केवल सत्य होगा, ऑप्शन नंबर बी सत्य है, एक यहाँ गलत हो गया। आगे चले हम लोग 12 में, देखते हैं क्या है। देखें यहाँ पर, देखें साथियों, ये भी हमें घटनाओं पर आधारित है, हमें सेट करना है कालक्रम को, कालक्रमानुसार क्रम में व्यवस्थित करना है। तो नीचे ऊपर कुछ घटनाएं दी गई हैं, इन्हीं घटनाओं को हमें करना है। तो हंटर शिक्षा आयोग, तो यहाँ पर ये जो पहले में क्या है, हंटर शिक्षा आयोग दिया है। तो हंटर शिक्षा आयोग को यहाँ पर 1882 में आया था, ये 1882 में आया था, और चार्ल्स वुड डिस्पैच 1854 में आया था डलहौजी के शासनकाल में। ली आयोग, ली आयोग साथियों हमको मालूम है ये 1924 में आया था, 1924 में आया था। और रेले आयोग जो था ये कर्जन के शासनकाल में 1902 में आया था। तो इस हिसाब से सबसे पहले कौन हुआ होगा, आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए। तो सबसे पहले 1854 वाला चार्ल्स वुड डिस्पैच वाला हुआ होगा, यानी दो पहले नंबर पर आना चाहिए। तो कहाँ कहाँ दो पहले नंबर पर है, एक सी में है, एक बी में है। तो इसका मतलब डी और ए नहीं होंगे हमारा, इन्हीं दोनों में से सी और बी में से कोई उत्तर होगा। और फिर आप पता करिए दूसरे नंबर पर कौन होगा, दूसरे नंबर पर ये हंटर यानी 1882 वाला होना चाहिए। तो एक है, दूसरे नंबर पर एक आना चाहिए। तो यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है, फंसा दिया आपको। अब तीसरा पता करना है, तीसरा आपको 1902 यानी रैले वाला चार होना चाहिए। तो देखिए यहाँ तीसरे नंबर पर चार है, इसका मतलब उत्तर आपका यही बी वाला होगा। इस तरह से आपको प्रश्न सॉल्व किया जाता है। आगे देखें हम लोग, देखें कह रहा है इसमें पावना विद्रोह संबंधित है। पावना विद्रोह साथियों संबंधित किससे है, बहुत बढ़िया प्रश्न, आपके कई सारे एग्जाम में ये पूछा गया है, बहुत फैक्चुअल प्रश्न है, और बीपीएससी से लेकर यूपीपीसीएस बहुत सारे प्रश्न एग्जाम में ये पूछा गया है। तो पावना जमींदारों की दमनकारी नीतियाँ, जमींदार होते थे कृषकों को, उसमें टैक्स बढ़ा देते थे, ज़बरदस्ती वसूली करते थे। तो एक तरह से जो जमींदारों की दमनकारी नीतियाँ थीं उसके विद्रोह में कृषकों का एक आंदोलन था। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा उत्तर हो जाएगा, पावना का। आगे हम चलें 14 में, देखें यूपी किसान सभा का गठन किया गया था। तो यूपी किसान सभा का गठन कब हुआ था साथियों, 14वां प्रश्न में, बहुत बढ़िया। यूपी किसान का गठन जो है 1918 में लखनऊ में किया गया था। तो कहाँ किया गया था, लखनऊ में। मदन मोहन मालवीय और इंद्र नारायण द्विवेदी, गौरी शंकर जैसे नेताओं ने इसमें भाग लिया था। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़े हम लोग, देखें 15 में क्या कह रहा है। वॉरेन हेस्टिंग्स ने निम्नलिखित उद्देश्य से कलकत्ता मदरसा की स्थापना की। तो हमें पता है, पहले एक चीज़ हम ये जान लें, कलकत्ता मदरसा की स्थापना किसने की, वॉरेन हेस्टिंग्स ने की। तो क्योंकि इसका उद्देश्य क्या था, तो इसका उद्देश्य पता करने के लिए दिया है। तो सभी को मालूम है कि अपने अधिकारियों को जो है, यहाँ के लोगों को इस तरह से अपने अधिकारियों को ट्रेंड करना कि यहाँ के लोगों से वो लोग कनेक्ट हो पाए। तो यहाँ पर साथियों कंपनी के दरबार में ब्रिटिश प्रशासन की सहायता के लिए योग्य भारतीयों को तैयार करना, तो इसीलिए वॉरेन हेस्टिंग्स को हुआ था, ये किया था ये। ऑप्शन नंबर बी हमारा उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ें 16 में देखते हैं क्या कह रहा है। सांप्रदायिक पंचाट के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। तो सांप्रदायिक पंचाट के बारे में आप लोगों ने जानते होंगे कि इसी के विरोध में जो है गांधी जी अनशन किए थे, और पूना पैक्ट बाद में गांधी जी अम्बेडकर जी के बीच हुआ। तो जो दलितों को अलग से मुसलमानों की तरह जो है एक अलग से जो वोट, जैसे दलित को कैंडिडेट को सिर्फ दलित वोट देंगे, ये हुआ था इसमें। तो पहला क्या था, यह लोथियन समिति की सिफारिशों पर आधारित था।
सोलहवां का ये जो है, तो ऑप्शन नंबर ए ये तो सत्य है। लोथियन समिति की सिफारिश पर आधारित था सांप्रदायिक पंचाट, बिल्कुल सही। दूसरा कह रहा है सभी प्रांतों में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित की गई। मेरे भाई ये गलत, 33% नहीं बल्कि 3% महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित किया गया था सांप्रदायिक पंचाट में। तो ऑप्शन नंबर ए केवल हमारा सत्य है, बी गलत हो गया यहाँ पर, तो ऑप्शन नंबर ए उत्तर होगा। आगे चले हम लोग सत्रम देखते हैं क्या है। नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना किसने किया था? तो सभी को मालूम मेरे भाई, नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना महात्मा गांधी जी ने अफ्रीका में किया था। अफ्रीका में क्यों किया था? आप सबको पता है कि वहाँ पर भारतीयों के खिलाफ जो भेदभाव हो रहा था उसके खिलाफ एक संगठन खड़ा कर दिए थे महात्मा गांधी जी, नटाल इंडियन कांग्रेस, जो कालों के साथ होता था अफ्रीका में, आप लोग को पढ़े होंगे उसमें। 18 में देखते हैं क्या है, 18 में क्या है कि विभिन्न विद्वानों द्वारा 1857 के विद्रोह के वर्णन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो आपको मालूम है साथियों, 1857 का जो विद्रोह हुआ था, विभिन्न विद्वान लोग, विभिन्न लेखक अलग अलग उसको अपना नाम दिए थे, तो उसी के बारे में पूछ रहा है कौन सा मैच नहीं है, डिसमैच है, यानी कौन सा गलत है। तो जैसे आउट्रंप ने जो था वो क्या कहा था कि अंग्रेज़ों को भारत से उखाड़ फेंकने का मुस्लिम षड्यंत्र था, तो ये तो सही है, आउट्रंप ने ऐसा ही कहा था। और हम लोग अगर देखें दूसरे वाले में, बी में क्या कहा, कार्ल मार्क्स ने क्या कहा था कि अंग्रेज़ों द्वारा पूर्व में ही प्रारंभ सामाजिक प्रगति का विस्तार था, ये भी सही है। आर होम्स, ईसाई धर्म के खिलाफ युद्ध, तो ईसाई धर्म के खिलाफ युद्ध, तो ये जो 18वां का सी है यही गलत है। तो साथियों ये ईसाई धर्म के खिलाफ जो युद्ध है ये कौन कहा था इसमें, ये नहीं कहा हो, ये जो रीज था, एक आप लोग पढ़ेंगे ना, तो एक रीज नाम का व्यक्ति था, तो उसने ही कहा था ये ऐसा। तो आर होम्स जो कहा था, सभ्यता और बर्बरता का संघर्ष, आर होम्स ने 1857 की लड़ाई को क्या कहा, सभ्यता और बर्बरता का संघर्ष, जबकि ईसाई धर्म के खिलाफ जो युद्ध है ये किसने कहा था, रीज ने कहा था ये, तो इसका मतलब तो उल्टा दे दिया है, तो यही सी हमारा गलत था। आगे बढ़े हम लोग 19 में, देखें 19 में क्या है कि कथन दिया गया है दो ठो, कराए नहीं कथनों पर विचार करके हमें सही उत्तर को देना है। तो पहला कथन हम लोग पढ़ते हैं, ब्रिटिश कमेटी ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 1889 में ब्रिटेन में की गई थी, तो 1889 ब्रिटेन में की गई थी, बिल्कुल सही। बी वाला कह रहा है इसका उद्देश्य ब्रिटेन में जनता को भारतीय मुद्दों के बारे में जागरूक करना है, जी इसीलिए किया गया था, तो ऑप्शन नंबर सी यहां पर हमारा हो जाएगा, दोनों के दोनों कथन सत्य हैं, ब्रिटिश कमेटी ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना के बारे में। आगे बढ़े हम लोग 20वां देखते हैं क्या है, सब के सब हिस्ट्री से प्रश्न है इसमें। 20 में क्या कह रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का निम्नलिखित में से किस संगठन के साथ विलय हो गया? तो हमें पता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस का 1885 में स्थापना हुआ, तो उसके थोड़े दिन बाद ही ये जो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन था वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में इसका विलय कर दिया गया था, तो ऑप्शन नंबर बी ये उत्तर होगा। 21 में हमारा देखें क्या है, 21 वाले में, तो 21 में कह रहा है कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, नीचे आपको कुछ घटनाएं दिया गया है, उन्हीं घटनाओं को हमें एक ऑर्डर में सेट करना है, तो ऑर्डर में सेट करेंगे पहले हमें क्या बताना पड़ेगा, देखें बंगाल विभाजन लागू हुआ, देखें थोड़ा सा दिमाग लगाए मेरे भाई, हम ऐसे उत्तर बता देंगे तो आपको उतना चीज़ें क्लियर नहीं होगा, मैं ये चाहता हूँ कि मैं जो बताऊँ उसका कोई लॉजिक हो, आप उसके दिमाग में आपके बैठे। तो बंगाल विभाजन हुआ और देखें यहाँ लिया है बंगाल विभाजन के विरुद्ध प्रस्ताव पारित हुआ, तो आप थोड़ा सा बताइए दिमाग लगाकर, पहले विभाजन पारित होता है पहले प्रभावी हो जाता, पहले पारित होगा ना, तो तीन वाला पहले आएगा एक वाला बाद में आएगा,
और सूरत विभाजन यानी पहले 1905 में भी हुआ था और 1905 में बंगाल विभाजन भी हुआ, 1905 में बंगाल विभाजन पारित भी हुआ, लेकिन पारित पहले होता है, विभाजन बाद में होता है, ये तो इतना क्लियर है। और सूरत विभाजन तो आप सबको पता है, इसमें कांग्रेस के नरम दल और गरम दल इसमें अलग हो गए थे 1907 में। तो इसका मतलब पहले नंबर पर तीसरा पहले पर होगा, फिर पहला आएगा, तो इस हिसाब से हमारा ये 21वां का कौन हो जाएगा, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो 3 आएगा, 1 आएगा, 4, 2 आएगा, दादा भाई नौरोजी वाला जो ये था, ये मान लीजिए हमें नहीं क्लियर है लेकिन फिर भी हम पता पा गए, 3 तो हमें क्लियर है ना, इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा 21वें का। आगे बढ़ें हम लोग, 22 देखते हैं क्या है। प्रार्थना समाज ने सामाजिक जागरूकता के लिए कौन सा समाचार पत्र शुरू किया था? तो प्रार्थना समाज, तो आपको मालूम होगा आत्मा, ये जो इसकी स्थापना किए थे आत्मा राम करके उनका नाम था। तो प्रार्थना समाज ने सामाजिक जागरूकता के लिए कौन सा समाचार पत्र शुरू किया था? यहाँ पर 4 नाम है, बंगदूत, दिग्दर्शन, सुबोध पत्रिका या बंग दर्शन। तो 22वां का जो हमारा उत्तर है साथियों, सुबोध पत्रिका, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा उत्तर 22वें का। तो आगे चले हम लोग, जो बंग दर्शन है, बंग दर्शन का ये चटर्जी ने शुरू किया था, बंकिम चंद चटर्जी, B.C. चटर्जी। आगे चले देखें एक बढ़िया प्रश्न, टीपू सुल्तान की मृत्यु के बाद मैसूर राज्य में क्या परिवर्तन हुआ था? तो आपको पता है हैदर अली का बेटा था टीपू सुल्तान, जो आंग्ल मैसूर के चौथे युद्ध में मारा गया था। तो यहाँ पर हमारा क्या क्या सही हो सकता है, यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाएं अगर, तो मैसूर का नया राज्य कृष्णराज तृतीय को सौंप दिया गया, जिन्होंने सहायक संधि कर स्वीकार कर ली, सही बात है। विलियम बेंटिक ने वर्ष 1831 में कुशासन के आधार पर मैसूर पर अधिकार कर लिया था, ये भी सही है मैसूर के बारे में। लॉर्ड रिपन ने 1881 में राज्य को उसके शासक को बहाल कर दिया था, ये भी सही है। तो यहाँ पर 3 के तीनों कथन, टीपू सुल्तान के मृत्यु के बाद मैसूर राज्य में क्या परिवर्तन हुआ था, वो इसमें बताया गया है, 3 के तीनों चीज़ें हुई थी। 24 में देखते हैं मगर, तो ये क्या है 24 में, इल्बर्ट बिल विवाद के बारे में कौन सा कथन सही है? तो लॉर्ड रिपन ने इल्बर्ट बिल लेकर आया था, जिसके कारण अंग्रेज़ों ने इसका बहुत विरोध हुआ था। वो क्या था कि अब अंग्रेज़ों को जो है सुनवाई भारतीय अधिकारी भी कर सकते हैं, यहाँ पर देखते हैं कि लिखा है हम इसमें प्रस्तावित किया गया था कि भारतीय मजिस्ट्रेट, जो भारतीय मजिस्ट्रेट होंगे, यूरोपीय लोगों पर आपराधिक मामलों का मुकदमा चला सकेंगे। तो इसी के लिए यूरोपियों ने कहा कि ये भारत अशिक्षित हैं, काले हैं, ये लोग हम पर मुकदमा चलाएंगे, ये लोग हमें सजा देंगे, तो उन लोगों को थोड़ा अपमान लगा, तो इसीलिए इसका विरोध किए थे। तो 24 का उत्तर हमारा ए हो जाएगा। 25 को हम लोग देख लेते हैं, 25 में क्या है साथियों, यहाँ पर देखें हमें कुछ जो है दिया है, यहाँ पर 25वां में थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, यहाँ पर भी दिमाग लगाएंगे तो आपको नॉलेज कम रहेगा, और लेकिन अब दिमाग का प्रयोग करेंगे तो आप जो बहुत ज़्यादा नॉलेज है उससे ज़्यादा नंबर ला सकते हैं। कैसे, जो देखें यहाँ पर एक संधि दिया है और उसे संबंधित देश दिया है, उसी को हमें जो है मिला देना है, और कह रहा है कौन सा मिसमैच है यानी कौन सा सही है उसे बताना है। तो सही कैसे होगा, हमें मान लीजिए कोई कुछ मालूम नहीं है, लेकिन एक चीज़ तो मालूम है, सुगौली की संधि जो हुई थी अंग्रेज़ों ने नेपाल के साथ किया था, और यहाँ आपको बर्मा यानी म्यांमार के साथ मिला दिया है। तो यानी यहाँ हम कह सकते हैं हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। यानी जब सुगौली की संधि नेपाल के हुआ था, बर्मा कर दिया, तो इसका मतलब ये भी गलत हो गया और ये भी गलत हो गया, तो ये यहाँ होना चाहिए था। तो इसका मतलब जब ये गलत हो गया तो नीचे वाला भी गलत हो गया इसका, तो इसका मतलब 3 और 4 जिसमें होंगे वो गलत हो जाएगा। ये भी 4 बैठा, ये भी गलत, 3-4 इसमें भी है, 3-4 इसमें भी गलत, ऑप्शन नंबर ए
25वें का ए सही हो जाएगा। कितने आसानी से हम लोगों ने उत्तर निकाल लिया, सिर्फ एक फैक्ट हम लोगों को मालूम था, सुगौली की संधि, इस हिसाब से कर सकते हैं हम लोग। आगे बढ़ें, 26 में देखते हैं हम लोग। देखें, थोड़ा सा आम मज़ेदार प्रश्न है मिलाने वाला, थोड़ा सा आप लोग दिमाग लगाइएगा। दिमाग लगाने से ज़रा सा भी मत चूकिएगा साथियों, क्योंकि कोई दिमाग नहीं लगाए आप लोग तो सिर्फ ये सोचें हम रटा रटाए हमें सारी चीज़ें मिल जाए और हम पके पकाए खा लें, तो आपको सारी चीज़ें दिमाग से उतर जाएंगी। तो यहाँ पर देखें, एक चीज़ हम बहुत बढ़िया है, अहोम विद्रोह। अहोम विद्रोह 1928 में हुआ था, चौथे पर जाएगा, 1828 में, 1828 असम में हुआ था। ये चीज़ें हो गया, यानी एक चीज़ तो हमें क्लियर हो गया, ए वाला जो है चार पे जाएगा, तो ए वाला चार पे केवल बी में है और कहीं नहीं है। तो देखो, हमने एक ही फैक्ट से इसका उत्तर पा लिया, तो ऑप्शन नंबर इसका बी हमारा उत्तर हो जाएगा 26वें का। तो बी इसका उत्तर हो गया, यानी अब हम कह सकते हैं बी वाला तीन पर जाएगा, ये पोलीगर्स विद्रोह ये 1775, और सी वाला दो पर चला जाएगा, मोमारिस विद्रोह 1769, और ये जो पाइका विद्रोह है 1870, सबको मालूम है। इस ऐसे हम लोग प्रश्न को सॉल्व करते हैं। आगे देखें हम लोग, खिलाफत आंदोलन से प्रत्यक्ष यानी खिलाफत आंदोलन से डायरेक्ट संबंधित नेता कौन नहीं थे? तो यहाँ पर चार नाम दिए गए हैं, मोहम्मद अली, हसरत मोहानी, मौलाना शौकत अली, मोहम्मद इकबाल। तो खिलाफत आंदोलन से डायरेक्ट कौन संबंधित नहीं थे इसमें बताना है। तो खिलाफत आंदोलन का आप लोगों ने पढ़ा होगा बहुत अच्छे से, जिसमें हिंदू मुस्लिम की एकता की बात की गई थी इसमें। तो यहाँ 27वां का जो हमारा प्रश्न हो, मोहम्मद इकबाल, मोहम्मद इकबाल इससे संबंधित नहीं थे, मोहम्मद अली, हसरत मोहानी, शौकत अली, ये सब तीनों लोग थे, डायरेक्ट जुड़े हुए थे। आगे बढ़े हम लोग 28 में, निम्नलिखित में से किस संधि ने द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध का मार्ग प्रशस्त किया? तो निम्नलिखित में से किस संधि ने द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध का मार्ग जो है प्रशस्त कर दिया, तैयार कर दिया, तो उसको हमें बताना है यहाँ पर। तो यहाँ पर आप लोग को मालूम, बेसिन की संधि जो हुई थी, बेसिन की संधि ने ही ये द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध जो है ये तैयार कर दिया था। तो आगे अगर हम लोग देखें इसके बारे में, 29 का देखें क्या है, निम्नलिखित में से किसने प्राउड रिज़र्व की नीति लागू की? प्राउड रिज़र्व की नीति किसने लागू की मेरे भाई? 29वां का ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप लोग मालूम है, जो लॉर्ड लिटन था 1876 में भारत के वायसराय बना, तो उसने प्राउड रिज़र्व की नीति लागू किया, जिसका उद्देश्य क्या था प्राउड रिज़र्व का, कि वैज्ञानिक सीमाएँ निर्धारित करना और जो है उसके प्रभाव के क्षेत्रों की सुरक्षा करना, तो इसलिए यह प्राउड रिजर्व था इसमें। तो लॉर्ड लिटन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा, 29 का ए, प्राउड रिजर्व की नीति लागू किया। 30 का देखते हैं हम लोग क्या कह रहा है 30 में। देखें, दो कथन कारण वाला आ गया, एक कथन है और एक कारण है, इनको पढ़कर हमें सही उत्तर को देना है। तो असहयोग आंदोलन के दौरान मोतीलाल नेहरू, सी आर दास, राजगोपालचारी, आसफ अली जैसे कई वकीलों ने अपनी वकालत छोड़ दी, तो ये इसमें है, ये तो सही बात है, असहयोग आंदोलन में गांधी जी के नेतृत्व में जो हुआ था। कारण क्या है? इस आंदोलन की विदेशी मानद और सरकारी उपाधियों का बहिष्कार एक महत्वपूर्ण विशेषता था। जी, इसमें भी जो है विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ये हमारा ए भी सही है, ए भी सही है, तो बी हो जाएगा, यानी ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण भी है। 31 का देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले भारत के लिए संविधान बनाने के लिए संविधान सभा का विचार रखा था? तो इसमें कुछ पार्टी, कुछ संगठन के नाम दिए गए हैं, कह रहा है कि किस संगठन ने संविधान बनाने के लिए संविधान सभा का जो है विचार रखा था, तो स्वराज पार्टी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा, ये 31वें का डी हो जाएगा हमारा उत्तर नंबर ए। तो
स्वराज पार्टी जो 1923 में बनी थी असहयोग आंदोलन फेल होने के बाद। 32 में देखते हैं क्या है, बोस ने मार्च 1940 में रामगढ़ में एक समझौता विरोधी सम्मेलन बुलवाया जो एक संयुक्त प्रयास था। तो इसमें सुभाष चंद्र बोस के बारे में बात कर रहा है, किया जा रहा है। मार्च 1940 में रामगढ़ में एक समझौता विरोधी सम्मेलन बुलाया जो एक संयुक्त प्रयास था। किसका प्रयास था इसको बताना है हमें, ये फॉरवर्ड ब्लॉक किसान सभा, तो इन्हीं दोनों के लिए था, जबकि अखिल ट्रेड भारतीय यूनियन से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए केवल सत्य है, एक और दो। चले हम लोग 33 पर देखते हैं क्या है। इसमें कह रहा है साथियों, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो चार विकल्प दिए गए हैं, चारों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, नहीं पर जरूर ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो इसमें क्या है 33वें में, तो हिंदू पैट्रियाट, तो इसमें कुछ मतलब कौन सा, एक तरफ मतलब पत्र पत्रिका है, तो एक तरफ पत्र पत्रिकाएं हैं, दूसरी तरफ उसके संपादक हैं, तो कौन सा सही नहीं है, मिसमैच है, उसी को बताना है। तो हिंदू पैट्रियाट जो है मेरे भाई, वो गिरीश चंद्र घोष ने ही किया था, और बंग दर्शन जो है बंकिम चंद चटर्जी, मैंने अभी इस एक वीडियो के पहले में भी बताया था, वो बंकिम चंद चटर्जी से था, दयाल सिंह मजीठिया से संबंधित नहीं है। तो यही गलत हो गया, ऑप्शन नंबर बी यही गलत है। और जबकि भारतीय समाजशास्त्री श्यामजी कृष्ण वर्मा ने किया था, परिदर्शक बिपिन चंद्रा ने किया। आगे चलें 34। देखें कथन कारण वाला सवाल यूपी पीसीएस आरओ जैसे एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, तो ये इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा दिया है आपके एग्जाम के पैटर्न के अनुसार। तो एक कथन दिया है और कारण दिया है, इन्हीं को पढ़कर हमें सही उत्तर को बताना है। तो देखें पढ़ें, गांधी जी ने भारतीय लोगों से 6 अप्रैल 1919 को रॉलेट एक्ट के विरोध में हिंसा दिवस के रूप में मनाने का आह्वान किया था। तो यहाँ पर ये जो कथन है ये तो सही है, गांधी जी ने ऐसा किया था। इस एक्ट में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मौलिक अधिकारों पर अंकुश लगाया गया और पुलिस शक्तियों को मजबूत किया गया, तो रॉलेट एक्ट इसीलिए था। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सत्य होगा, ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण भी कर रहा है। तो रॉलेट एक्ट मालूम होगा जिससे कि इसी का यही वो जड़ था जिसके कारण जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। आगे देखें हम लोग 35 में, देखें 35 वाले में क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सितंबर 1928 में स्थापित हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक सदस्य थे। तो हिंदुस्तान रिपब्लिक सोशलिस्ट एसोसिएशन जो चंद्रशेखर के नेतृत्व में बना था 1928 में, तो इसमें कह रहा है कि कौन सा आर्मी के संस्थापक सदस्य थे। तो यहाँ पर कई नाम सारे हैं विकल्प में, तो इसमें हमें बताना है कौन से इसके संस्थापक सदस्य में थे। तो भगत सिंह, जोगेंद्र चंद चटर्जी, तो यही दो लोग इसमें थे, आप लोगों को मालूम होगा भगत सिंह तो थे ही, ये तो कन्फर्म है, और जोगेश चंद्र चटर्जी भी थे। तो 35 का हमारा उत्तर नंबर ए हो जाएगा, ये वाला। देखें 36 में क्या कह रहा है, फॉरवर्ड ब्लॉक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फॉरवर्ड ब्लॉक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों से, आपको मालूम होगा सुभाष चंद्र बोस ने इसे बनाया था कांग्रेस के भीतर ही कार्य करने के लिए। इसकी स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कांग्रेस के भीतर एक नई पार्टी के रूप में की गई थी। जी बिल्कुल सत्य, इसके निर्माण के परिणामस्वरूप सुभाष चंद्र बोस को 3 वर्ष के लिए कांग्रेस में कोई भी पद धारण करने से प्रतिबंध कर दिया था। जी दोनों के दोनों सत्य हैं, यहाँ पर 36वें का हमारा उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये वाला। आगे बढ़े हम लोग 37 में, 37 में क्या कह रहा है,
निम्नलिखित कथनों में से कौन 1937 के प्रांतीय चुनावों के संदर्भ में सही है? तो 1937 में पहली बार ठीक तरीके से प्रांतीय चुनाव हुए थे, तो उसी के संदर्भ में पूछ रहा है कौन सा सही है। तो पहला कह रहा है कि साइमन कमीशन के आदेशानुसार ब्रिटिश भारत ने वर्ष 1937 में प्रांतीय चुनाव आयोजित किए थे। तो यहाँ पर साइमन कमीशन के आदेशानुसार, तो ये गलत है, यहाँ पर कुछ गड़बड़ी लग रही है। अभी आगे हम लोग देखते हैं। यह चुनाव सीमित वयस्क मताधिकार पर आधारित था। कांग्रेस ने चुनावी घोषणा पत्र के माध्यम से भारत सरकार अधिनियम 1935 पूर्ण स्वीकृत पुष्टि की। तो 37 का ये जो हमारा है ये सही है, हाँ ऑप्शन नंबर बी। यह चुनाव सीमित मताधिकार पर आधारित था, यानी कुछ ही लोगों को वोट देने का अधिकार था, सबको एक तरफा नहीं था। तो ऑप्शन नंबर बी 37 में हमारा यही सही है। तो आगे चले हम, आगे हमारा 38 में आ गए। 38 में क्या है? इंडियन नेशनल लिबरल एसोसिएशन की स्थापना किसने की? इंडियन नेशनल लिबरल एसोसिएशन की स्थापना किसने किया? राधाकांत देव, एमजी रानाडे, सुरेंद्र बनर्जी, शिव नारायण अग्निहोत्री। तो इसमें कौन सा इसमें नाम आ सकता है 38वें में? तो यहाँ पर जो हमारा सही उत्तर होना चाहिए सुरेंद्र बनर्जी, इंडियन नेशनल लिबरल एसोसिएशन। तो हम 39 में चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने भारत महिला परिषद की स्थापना की? किसने भारत महिला परिषद की स्थापना किसने किया था? तो यहाँ पर चार नाम है, सरला देवी चौधरानी, रामाबाई रानाडे, पंडिता रामाबाई सरस्वती, कॉर्नेलिया सर्वजी। तो इसमें कौन सा है वो 39 में आप लोग उत्तर बताइए कमेंट बॉक्स में। तो यहाँ पर रमाबाई रानाडे, ऑप्शन नंबर बी। रमाबाई रानाडे 1904 बम्बई में राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन के अंतर्गत लेडीज सोशलिस्ट एक कॉन्फ्रेंस किया था इसने। आगे देखें, निम्नलिखित में से किसने मासिक पत्रिका जिसका नाम वीतल विध्वंसक था उसकी शुरुआत किसने किया? एक मासिक पत्रिका जिसका नाम वीतल विध्वंसक, ये शुरुआत किसने किया था 40वें का? तो गोपाल बाबा वालंगकर, ऑप्शन नंबर ए, यही इनका शुरुआत किए थे। इकतालीस अगर हम लोग पढ़ें, सर सैयद अहमद खान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो सर सैयद अहमद खान जो अलीगढ़ विश्वविद्यालय है जिसे एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज नाम इसका पहला था, फिर 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कर दिया गया, तो वही सर सैयद अहमद खान कांग्रेस की स्थापना को लेकर बहुत विरोध किए थे। तो यह 1878 में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य बने और उनकी निष्ठा को देखते हुए अंग्रेजों ने उन्हें नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया। तो 41वां का ये पहला हम लोगों ने पढ़ा, तो ये पहला तो सत्य है। उन्होंने पर्दा, बहुविवाह और पीरी तथा मुदारी प्रथा का समर्थन किया, नहीं उसका विरोध किया। इनकी बातों से ही लगता है जो सैयद अहमद खान थे ये पश्चिमी शिक्षा का बहुत बड़े समर्थक थे, तो ये इन सब का विरोध कैसे कर सकते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा 41 का उत्तर होगा। बयालीस में देखते हैं, देवबंद आंदोलन पंथ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसकी शुरुआत मोहम्मद कासिम नानोतवी और रशीद अहमद गंगोही ने किया था। देवबंद पंत ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन का स्वागत किया था। तो 42वां का हमारा जो प्रश्न होगा ये ऑप्शन नंबर बी, दो के दोनों सही हैं। आगे हम लोग देखें 43 का, वर्ष 1907 में स्थापित इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट द्वारा प्रदान की जाने वाली छात्रवृत्ति सर्वप्रथम किसने प्रदान की? तो अवनींद्रनाथ टैगोर, नंदलाल बोस, रविन्द्रनाथ टैगोर, मुकुंद दास। तो
तो 43 का हमारा जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नंदलाल बोस ने किया था। आगे हम लोग बढ़ें, देखते हैं हम 44 में। देखें 44 में क्या है, एक कथन दिया है, दूसरा कारण दिया है, इन्हीं को पढ़कर हमें सही उत्तर को दे देना है। तो ये कथन हो गया, ये कारण हो गया, और सही उत्तर देना है, तो इन्हीं में से हमें बताना है। तो चले हम लोग अब यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नरमपंथी यह समझने में विफल रहे कि अंग्रेज़ों द्वारा विधान परिषद में किए गए सुधारों का उद्देश्य नरमपंथियों को पुरस्कृत करने के बजाय गर्मपंथियों को अलग करना था। तो ये तो सही है, बिल्कुल सही करता कर रहा है, यह कथन तो सही कह रहा है। कारण, चरमपंथी इस बात से अनभिज्ञ थे कि नरमपंथ आधिकारिक दमन के विरुद्ध उनकी रक्षा की प्राथमिक पंक्ति के रूप में कार्य कर सकते हैं। देखो ये सत्य है, लेकिन ये इसका कारण स्पष्ट नहीं कर रहा है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही होगा हमारा। ए और आर दोनों सही हैं, किंतु आर ए की व्याख्या नहीं करता। 45 में देखते हैं, कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसमें कौन सा कथन सही नहीं है उसको हमें बताना है। पहला पढ़ते हैं, सत्येंद्र सिन्हा वर्ष 1909 में वायसराय के कार्यकारी परिषद नियुक्त होने वाले पहले भारतीय थे। जी बिल्कुल, सत्येंद्र सिन्हा वायसराय के कार्यकारी में शामिल होने वाले पहले व्यक्ति थे भारतीय। दूसरा, वर्ष 1909 में मार्ले मिंटो सुधार के अनुसार इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल और प्रांतीय विधान परिषदों में निर्वाचित सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई। जी ये भी सही है। अप्रैल 1906 में बरिंद्र कुमार घोष भूपेंद्र नाथ दत्त ने साप्ताहिकी युगांतर की शुरुआत की, ये भी सही है। ये तीनों हमें कन्फर्म हो गया सही है, तो सीधी सी बात चौथा गलत होगा। क्यों गलत है? बारदोली सत्याग्रह के कारण यूरोपीय नील बागान मालिकों द्वारा लागू की गई तिनकटिया प्रणाली का विरोध था। नहीं मेरे भाई, बारदोली में ये कहाँ था, तिनकटिया प्रथा तो वो अलग था ना, चंपारण वाला मामला, तो ये तो यहाँ पर गलत हो गया वहाँ पर। तो आगे हम लोग अब चलते हैं, 45 हमारा हो गया, तो इसका डी उत्तर होगा। आगे चले हम लोग 46 में देखते हैं, वर्ष 1905 में लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की शुरुआत किसने की? तो 1905 में लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा ने किया था। 46 का उत्तर ए हो जाएगा। 47 में देखते हैं, गदर पार्टी के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से जो है विचार कीजिए, और विचार करके हमें सही उत्तर को बताना है। तो गदर पार्टी का इस संबंध में है, इसका मुख्यालय वैंकूवर में स्थित था और इसकी अन्य शाखाएं अमेरिकी तटीय और सुदूर पूर्व क्षेत्रों तक विस्तृत थी। जी बिल्कुल सही बात है, गदर पार्टी के संबंध में तो ये बात सही है। अब आगे हम लोग अब दूसरा कथन अगर पढ़ते हैं, तो दूसरा क्या कह रहा है, इसके सदस्यों का उद्देश्य भारत में विद्रोह की शुरुआत करना और 1914 में दो घटनाओं कामाघाटा मारू घटना और प्रथम विश्वयुद्ध की शुरुआत ने इसे अपने उद्देश्यों के लिए काफ़ी प्रोत्साहित किया। जी दोनों के दोनों कथन सही है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होना चाहिए, डी सत्य है। आगे बढ़ें, 48 में देखते हैं क्या है, निम्नलिखित में से किसका संबंध 1915 की बर्लिन कमेटी फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस से नहीं था? तो किसका संबंध 1915 की बर्लिन कमेटी फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस से नहीं था? तो यहाँ चार नाम दिए गए हैं हमें, चारों नामों में से कौन सा नहीं था मेरे भाई? तो ऑप्शन नंबर डी गुरुबख्श सिंह ढिल्लो, ये इससे संबंधित नहीं थे, बल्कि ये जो किला वाला मुकदमा चला था, लाल किला वाला, उसमें थे सहगल ढिल्लो शाहनवाज,
तो ये इसमें नहीं थे, बाकी ये तीनों थे। ऑप्शन नंबर डी हमारा 48 का उत्तर हो जाएगा। 49 में देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो चारों में से कौन सा सही नहीं है, कौन सा गलत है, उसी को बता देना है हमें। तो देखें, हम लोग पहला जब पढ़ते हैं तो क्या कह रहा है, 1813 के चार्टर अधिनियम के अनुसार राजस्व प्रशासन को न्यायिक चार्टर अधिनियम के अनुसार राजस्व प्रशासन को न्यायपालिका के कार्यों से अलग कर दिया था। जी, 1813 में ऐसा किया गया था। 1813 के चार्टर अधिनियम के अनुसार भारत में व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार समाप्त हो गया, किंतु कंपनी ने चीन के साथ चाय का व्यापार बरकरार रखा। जी, ये 1813 में ही ऐसा था, आप लोग को मालूम होगा। ये सी वाला कह रहा है कि 1793 के चार्टर अधिनियम के द्वारा बंगाल, मद्रास और बॉम्बे के अन्य सभी क्षेत्रों के गवर्नर जनरल को पूर्ण नियंत्रण में दे दिया गया। तो सी ये भी सही है, तो इसका मतलब ये तीनों सही हैं, तो डी वाला यही गड़बड़ होगा और डी वाला यही हमारा उत्तर होगा। क्यों? 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम द्वारा ब्रिटिश अधीन भारत सरकार के कार्यकारी व विधायी कार्यों को अलग कर दिया गया। तो ये जो हमारा डी वाला प्रश्न है, ये यहाँ पर गड़बड़ है। आगे पढ़ें हम 50वां में। कारावास में डाले जाने वाले पहले भारतीय पत्रकार कौन थे, यानी जेल में डाले जाने वाले पहले भारतीय पत्रकार कौन थे। 50 का बी हमारा ये ऑप्शन नंबर ये बी हो, सुरेंद्र बनर्जी। 50 बी, सुरेंद्र बनर्जी कारावास में डालने वाले पहले भारतीय पत्रकार थे, ये बंगाली थे। तो साथियों, यहाँ पर हमने 50 प्रश्न ये देखा, और इन 50 प्रश्नों में, तो साथियों यहाँ पर हमने 50 प्रश्न कुल देख लिया। ये 50 प्रश्न साथियों मॉडर्न इंडिया से, हिस्ट्री का ये मॉडर्न इंडिया। तो इसके बाद हम लोग जो है मेडिवल पढ़ेंगे, 50 प्रश्न मेडिवल का होगा और 50 प्रश्न जो है एंशिएंट का होगा। तो इन दोनों को हम साथ में देख लेंगे, आज थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है जिसके कारण हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री को छोड़ रहे हैं। तो इसमें 150 प्रश्न हिस्ट्री का था, 50-50 तीनों का, तुम लोग मॉडर्न पढ़ लिए 50 प्रश्न, और यहाँ से हमारा अब स्टार्ट होगा एंशिएंट, फिर मेडिवल। तुम लोग देखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए नमस्कार।